हरे कृष्णा। तो भाई ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जिनको जियो में ऑर्डर प्लेस करते समय ये मैसेज आ रहा है। तो ये वीडियो मैं इन उन लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, खास करके एक भाई साहब हैं अपने, तो उन्होंने मैसेज किया था कि मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ तो जियो फिनेंस का शेयर बाय नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें मैसेज आ रहा है इस तरह का कि मार्केट ऑर्डर इज ब्लॉक फॉर जियो फिनेंस। तो आप समझिएगा डेडिकेटेड सिर्फ आपके लिए है और आपके जैसे और भी लोग हैं उनके लिए। तो भाई अभी जस्ट बाहर से आया हूँ, आप फेस देख करके समझ सकते हो और सोचा कि चलो दो मिनट मैं आपको बता दूँ। और जो भी भाई का जियो में मिस कर गया वो भी समझ लीजिएगा, 10% का रिटर्न मिल गया बाबू, बहुत जल्दी 10% का रिटर्न मिल गया। तो जो लोग समझ रहे हैं कि हाँ है ग्रोथ, कंपनी अच्छी है, तो समझिए इस चीज़ को, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें दिमाग लगा सकते हैं, बाकी अपना सोच समझ के। तो मेहनत है, इसको अप्रिसिएट कीजिएगा और अप्रिसिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो भाई ये चीज़ आपको आ रहा है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था कि आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करो, लेकिन वहाँ पे नहीं हो रहा है, आपसे नहीं समझ पा रहे हो। तो मैं अभी आपको लाइव करके दो दो ब्रोकर में आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेटीएम में। तो भाई देखो जो लोग सब बोल रहे हैं ना किसको कौन स्कैमर और कौन क्या है, देखो डेली जब भी कोई आप ब्रोकर ओपन करोगे तो ये मैसेज आता है, इसको तो आप इग्नोर कर रहे हैं भैया, 9-10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं और आप किसी और को बोल रहे हो कि ये स्कैमर है। कम से कम वो तो सिखा रहा है ना, यहाँ पे डेली आपको रिस्क के लिए बताया जाता है कि मत करो। एवरेज जो लॉस है वो 50,000 का है, तो आप इससे भी तो समझिए, दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान है, खुद आप समझ लीजिए कि हाँ दिक्कत है भाई, तो क्यों आप किसी को ब्लेम करना, खुद सीखो यार शांति से और आगे का काम करो, ठीक है। तो अब समझिए, खुद को चेंज कीजिए तभी बदलाव आएगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए अब समझ लेते हैं, वीडियो शॉर्ट ही रखेंगे हम लोग। देखिए जैसे ये रहा जियो फाइनेंस, ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो जियो आएगा। अब इसमें बाई ऑर्डर ऐसे लगाते हैं तो बाई आप डायरेक्ट यहाँ पे बाई इसको क्लिक करते होंगे, तो ये आपका बाई ऑर्डर, जैसे ये तो चला गया, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, अभी मार्केट आवर नहीं है, तो ये आपका बाइंग आएगा नहीं। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाके और इस जगह पे लिमिट लगाइएगा और जिस प्राइस पे आपको बाई करना है वहाँ पे आप उसको लिख दीजिएगा, मतलब समझते हैं कि चलो 215 पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा करके बाई कर दीजिएगा। तो चूँकि अभी प्राइस 231 के ऊपर है और आज सर्किट भी इसमें लगा है, देखो 10% का रिटर्न दे दिया 3-4 दिन में भाई, तो 231 है तो ऊपर में ही आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको इस तरह से बाई कर दोगे। यही चीज़ आप जिरोधा में समझ लो, जिरोधा में जाओगे तो आप लिखोगे जियो, जिसमें भी आपका रहे जियो फिनांस, ठीक है, तो यहाँ पे बाई के लिए जाइएगा। बाई के लिए जाने के बाद मान लो आप 100 क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है, तो अभी डायरेक्ट आप करते हो तो ये रहा मार्केट ऑर्डर, इसको समझिए, यहाँ पे जो आप अभी ऑर्डर लगा रहे हो तो ये रहा मार्केट ऑर्डर। यहाँ पे आप जो भी प्राइस पे मार्केट में चलते रहता है वही आपको प्राइस पे यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। कभी कभी कोई स्टॉक में ऐसा होता है, जनरली जब स्टॉक नया नया आता है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है तो ये चीज़ होता है, और भी कोई टेक्निकल रीज़न होगा, लेकिन मैंने जो नोटिस किया मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको ये वाला ऑप्शन पे जाना है, लिमिट, ठीक है, लिमिट ऑर्डर, तो लिमिट ऑर्डर या एसएल ऑर्डर, एसएलएम ऑर्डर पे भी जा सकते हो। तो लिमिट ऑर्डर पे जा करके यहाँ पे देखिए लिमिट ऑर्डर पे क्लिक कीजिए और जैसे 231 जितना पे भी चले तो थोड़ा सा बढ़ा दो, उसके बाद बाय कर दो। आप अभी मार्केट क्लोज है इसलिए ऐसा आ रहा है, और नहीं तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और जैसे ही 231.4 पे जाएगा आपको आपके पोर्टफोलियो में वो दिखने लगेगा, मतलब पहले अभी पोजिशन में दिखने लगेगा। तो टेंशन नहीं है, जो इशू है आप पूछिए, मैं बताने के लिए जितना हो सकता है, बताने के लिए नहीं, जो मदद है हेल्प करना, बस फंसे ना लोग, ठीक है, वो बताने के लिए मैं तैयार हूँ। और आप बस सीखिए और किसी को ब्लेम नहीं, कोई कुछ नहीं, देखो भाई जो होता है उसके जिम्मेवार हम लोग खुद हैं और सब जिम्मेवारी अपने ऊपर लेंगे, निगेटिव चीज़ों से दूर रह के आराम से सीखिए और आगे बढ़िए। बाकी भाई का चैनल सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, जो आप कहोगे किसी भी तरह का मदद मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। अभी वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था लेकिन
आपने कहा तो लगा कि चलो एक बार बता दिया जाए, दो दिन का टाइम है, आप संतुष्ट हो जाओगे, नहीं तो इसी के चक्कर में कम से कम 50 वीडियो आपको देखना पड़ जाता। तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।